रामदल की धर्मशाला जो आज धर्मशाला के कचहरी अड्डा में चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। हमारे पार्टी के सम्मानित मंडल अध्यक्ष भाई अरुण चौधरी जी, हमारे संगठन मंत्री पार्लियामेंट के राजपाल जी, साथ में जो चुनाव के दृष्टिकोण में पार्टी की ओर से जो चुनाव प्रभारी लगाई गई है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसके साथ में हमारे नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर, उनके साथ सभी पार्षद चुने हुए हमारे जनप्रतिनिधिगण और भारतीय जनता पार्टी की जो रीढ़ की हड्डी है कार्यकर्ता बूथ स्तर का, जिसमें हमारे बूथ अध्यक्ष, पालक, DLA, इसके साथ में पन्ना प्रमुख के सभी कार्यकर्ता आज एकजुटता के साथ इस चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के लिए आए थे। समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने भाजपा के हर एक लक्ष्य को पूरा किया। एकजुटता के साथ हम हर एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए चलते हैं और जो अभी आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव, इस चुनाव में पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर मोर्चे पर डटेगा और हर मोर्चे पर डटने के बाद वहां पर जीत भी हासिल करेगा। तो जिस तरह से आज एक कदम जो है इस और भी बड़ा है, जहां पर हमारे नेतृत्व ने ये संकल्प लिया है कि हम लोग जीत के साथ, जीत के लिए आगे बढ़ेंगे और साथ ही में जो इस बार सरकार नहीं रिवाज बदलने का जो नारा हमने दिया है, निश्चित तौर पे उसमें हम कामयाब होंगे। हिमाचल प्रदेश की देवतुल्य जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उनका हर कदम पे हम लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूँगा, आज बहुत शुभ दिन है हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए। ये चुनाव कार्यालय से पूरी चुनावी प्रक्रिया जो है धर्मशाला कॉन्स्टिट्यूएंसी की, वो यहीं से चलने वाली है और पार्टी का हर एक पदाधिकारी, हर एक कार्यकर्ता यहीं से ही चुनावी रणनीति तय करते हुए जो है बूथ स्तर पर जाएगा पार्टी के एजेंडे को लेकर और पार्टी की जीत के लिए काम करेगा। शाह जी, आपके साथ आपके मंडल अध्यक्ष भी हैं। कुछ दिन पहले जो है OBC मोर्चा का सम्मेलन हुआ और इन्होंने साफ तौर से कहा कि मैं भी टिकट का दावेदार हूँ। जब मंडल के अध्यक्ष ही कहेंगे कि मैं भी टिकट का दावेदार हूँ तो किस प्रकार से चलेगा, क्योंकि मंडल तो विधायक के साथ चलता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हम लोग विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग राष्ट्र को संगठित करने के लिए काम कर रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की खूबसूरती है कि यहाँ पर हम लोगों ने हर स्तर पर नेतृत्व दिया है। हर एक कार्यकर्ता का अधिकार है चुनाव लड़ने का। चुनाव किसे लड़ना है ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। मैं सिर्फ आपको यहाँ से इतनी बात बता देना चाहता हूँ कि भाजपा धर्मशाला का कार्यकर्ता एक साथ है, पार्टी का जो भी निर्णय होगा उस निर्णय के साथ मिलकर हम लोग पार्टी के जीत के लिए काम करने वाले हैं। इतनी सी बात आप लोगों के साथ। और कांग्रेस भी जो है रोजगार यात्रा निकाल रही है धर्मशाला से, आज इसकी शुरुआत होगी, किस प्रकार से देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पिछले कई सालों से हम लोग देखते हैं झूठे लुभावने सपने दिखाकर देश और प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया और यहाँ पर भी आज जिस तरह से उन्होंने रैली निकालने का जो बातचीत आप कर रहे हैं वह भी सिर्फ एक दिखावा है। अपनी एक पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस कांग्रेस ढूंढ रही है, जिस पार्टी की खुद की कोई गारंटी नहीं है वह लोगों को क्या गारंटी दे। मैं सिर्फ कांग्रेस के ऊपर इतना कहना चाहता हूँ कि जब जब आप लोग सत्ता में थे तब तब आपने सिर्फ और सिर्फ सत्ता का सुख भोगा है, लोगों की सेवा आपने नहीं की है, लोगों के साथ जो आप लोगों ने वादे किए थे उन वादों पर काम नहीं किया है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, चाहे देश की बात हो चाहे हिमाचल प्रदेश की बात हो, हम लोगों ने प्रदेश की देवतुल्य जनता के लिए काम किया। पिछले 8 वर्षों में देश के लोकप्रिय बल्कि विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता जो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, देश की अखंडता के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और उसी कड़ी में पिछले 4.5 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने
हिमाचल प्रदेश की देवतुल्य जनता के लिए, उन गरीब लोगों के लिए जिन गरीबों को कोई नहीं पूछता था, उनके लिए जन लाभकारी योजनाएं लेकर आए। मुझे पूरा विश्वास है कि उन आज योजनाओं से जिन लोगों को लाभ हुआ है, वह आशीर्वाद स्वरूप जो है हम लोगों को आगे आने वाले चुनावों में जीत के लिए अपना आशीर्वाद दे।